इंसान के मुंह पे है, भाई ये चीज क्या है, मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना है। चाइना को उभारने में, चाइना आज जो बन चुका है उसे बनाने में उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन वहां इंडिया क्यों पिछड़ता जा रहा है, क्यों हम लोग चाइना को नहीं पकड़ पा रहे, हमारे एक्सपोर्ट इतने अच्छे क्यों नहीं है, लोग हमारे प्रोडक्ट्स पे क्यों यकीन नहीं करते, इसके ऊपर समझते हैं। तो कुछ लोग कमेंट में कहेंगे हम तो चाइनीज प्रोडक्ट पे भी यकीन नहीं करते, एक टाइम था जब नहीं करते थे, आज लोग करने लगे हैं, आज आप रियलमी रेडमी एमआई की चीज ट्रस्ट करके खरीदने लगे हैं। अगर नहीं खरीदते तो आप एक बार खुद से पूछें कि क्या ऐसा है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कुछ चीजें। तो जैसा कि हर एक देश की कुछ ब्रांडिंग होती है, जापान की हम लोग देखते हैं, अगर मेड इन जापान है तो हम लोग जानते हैं जापानीज लोग बहुत फोकस होते हैं, भाई उनका काम बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है, तो प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। जैसे कि मैं जल्दी बताऊं तो मैंने एक ब्रांड का स्पीकर लिया था, और केवल ये देख के कि ये जापान का है, मैं उस ब्रांड को नहीं जानता था, मैंने वो स्पीकर ले लिया था और स्पीकर चल भी अच्छा रहा था वो। तो ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन वही मैं आपको बताऊं तो पॉइंट नंबर वन इसी से रिलेटेबल है हमारा, कि इंडिया की जो प्रोडक्ट्स है ना उनकी बाहर की मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को, कुछ एक इमेज होती है बाहर जाके। और अगर कोई ये सोचेगा कि यार ये लोग केवल सर्विसेज में अच्छे हैं, ये लोग प्रोडक्शन में अच्छे नहीं है, और वो इमेज जब तक चेंज नहीं होगी ना, जब तक चीजें नहीं काम करेंगी, तो ये जो इंडिया की जो इमेज के बारे में आपको बताऊं तो अभी एक रिपोर्ट हुई थी अकॉर्डिंग टू पीआर काउंसलिंग फॉर्म इन 2017, उसके अंदर काफी सारे बाहर के ग्लोबल ब्रांड्स आए थे, ग्लोबल मीडिया आई थी, और हर एक चीज को ऑब्जर्व करा गया था। उसके बाद जो रिपोर्ट निकाली गई उसमें पता चला कि 40% से 33% तक जो हमारा डिक्लाइन हुआ है लोगों का ट्रस्ट इंडियन ब्रांड्स के अंदर। हाँ जी, अगर लोग पहले 40% लोग ट्रस्ट कर रहे थे इंडियन ब्रांड्स पे, तो 33% कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैक्टर्स ये भी रहे हैं। देखिए अगर हम लोग किसी और कंट्री की चीज को इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगर उसमें एक बार भी प्रोडक्ट खराब निकल जाता है, जैसे आप किसी होटल में खाने गए और वहां पर उसने आपको एक दो बार बहुत गंदे एक्सपीरियंस मिल गए शुरुआत के 3-4 बार में, तो आप लोग उस होटल में नहीं जाते, और पहली बार ही गए, पहली बार एक्सपीरियंस गंदा रहा तो कभी नहीं जाओगे। तो ऐसा ही हो रहा है इंडियन ब्रांड्स के साथ भी, जो कि इंडियन ब्रांड्स को फोकस करना चाहिए और जिस चीज को अच्छा करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है जो ट्रस्ट है ना लोगों का, वो कमाना चाहिए, जो कि इंडियन ब्रांड्स इसमें पिछड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये चीज मेरे को भी सुन के बहुत अजीब सा लगा। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चले, तो ये दूसरा पॉइंट क्या है ना कि लोग फीचर दे रहे हैं, एक जंगल है फीचर्स का, जहां पे नए 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 फीचर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। और वहीं पर एक रिसर्च के द्वारा जो कि मैक केल्विन ने करी थी, उन्होंने बताया कि 90% जो ब्रांड्स हैं एशिया के अंदर, वो अपने 80% रेवेन्यू किसी एक प्रोडक्ट से खींचे जा रहे हैं, और उसमें वो लोग तबीयत से फोर्स लगाते हैं, अगर बोला जाए तो, कि पूरा फोकस उनका उस ब्रांड्स को, उस प्रोडक्ट को इतना अच्छा कर देने में, इतना इनोवेटिव करने देने पे है कि वहां पे उनसे कोई टक्कर ना ले जा पाए। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग फीचर्स तो देते हैं लेकिन इतनी वैरायटी कर देते हैं कि कस्टमर ही कंफ्यूज हो जाता है। कई सारे इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं जो ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, और कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, चीजें बहुत अजीब गरीब बना देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे और वो चीज नहीं बिक रही होती। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊं तो रिलायंस, आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, जियो को आप लोग अपार्ट रख दें, रिलायंस की बात कर रहा हूं मैं, तो रिलायंस ने क्या करा, इनका बहुत जगह हाथ था यहाँ पे, ये लोग ऑयल बेच रहे थे, ये लोग टेलीफोन सेक्टर में थे, ये लोग फार्मास्यूटिकल में भी थे, और इवन ये लोग अपने काफी सारे ब्रांड्स इन्होंने फैला रखे थे। लेकिन आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो इनका कोई ब्रांड नहीं सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर पा रहा चीजों को, इवन किसी चीज के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर बहुत अच्छा खासा कोई फोर्स भी नहीं बचा, और अब वो ब्रांड डूबता ही जा रहा है रिलायंस का। अब इतना ज्यादा प्रोडक्ट आप लोग नहीं देखते, इवन रिलायंस डिजिटल वगैरह में भी लोगों को जाना आप जल्दी जल्दी से पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डिक्लाइन है इसका, इसके ऊपर भी सबसे बड़ा यही है कि कोई एक प्रोडक्ट नहीं है पहले कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाया जा सके, जिसके बेस पे बाकी प्रोडक्ट सेल हो सके, ऐसा कुछ बना नहीं। आपने बहुत सारी जगह हाथ घुसा दिया और उसके बाद आप पर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत रही। अगर बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट क्या है, वो है इनोवेशन। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे ब्रेन हैं जो लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, बच्चों के भी आइडियाज काफी सारे, एक मैं सॉर्ट ऑफ रील देख रहा था जिसके अंदर बच्चों ने इतने क्रिएटिव आइडियाज डाल रखे थे कि जो लोग सोच भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है, डिवाइडर आते ही गाड़ी की स्पीड कम हो जाना और काफी सारी अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज थे। लेकिन वही इनोवेटिव ब्रेन कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम से या फिर
आसपास के लोगों से घुल मिल के कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोग बस उस रेड रेस में लग जाते हैं, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। इवन इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, हम लोगों को इतना कुछ खास इनोवेशन नहीं सिखाया जाता भाई। ये अगर मैं बात करूं, जैसे मैं सीएस से हूं, तो हम लोगों को हाँ ये लॉजिक्स है इन्हें याद कर लो, ये चीज है इन्हें याद कर लो, इंटरव्यू में भी रटा रटा पूछा जाएगा, तो इनोवेशन बच ही नहीं रही। और इनोवेशन के बिना आप लोग इवॉल्व होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूएस की बात करें, वहां पे कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा। कोई भी चीजों को इवॉल्व करने के लिए इनोवेट करना जरूरी है। इवन हमारे यहाँ की कंपनीज तक अपने यहाँ का 5% और 5% से कम रिसर्च और डेवलपमेंट में डालते हैं, जबकि अगर आप बाहर की कंपनीज की बात करें तो वो लोग 33% तक रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं। और अपना टॉप नॉच जो ब्रेन होगा उनके पास, वो लोग रिसर्च में लगाते हैं, हम लोग उस टॉप नॉच ब्रेन को उठाते हैं और सेल्स में घुसेड़ देते हैं सीधा। भाई इनोवेशन जब तक नहीं आएगा, सेल्स में अच्छा दिमाग की जरूरत है लेकिन इनोवेशन में भी जरूरत है। इनोवेशन में लगाया हुआ पैसा आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा होता है, लेकिन ज्यादातर ब्रांड इससे भाग रहे होते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद हम लोग अगली बात में बढ़े, तो हमारे यहाँ के जो एक वैल्यू बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, वो फिल्म प्ले करती है। ठीक है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा लोग कोरिया बहुत ट्रेवल कर रहे हैं, कोरियन चीजों को ट्राई कर रहे हैं, कोरियन ब्रांड्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे वहां के कुछ ब्रांड्स, वहां की कुछ मूवीज हैं। जबकि इंडिया के अंदर बॉलीवुड काफी पुराना है, काफी अच्छी रूट्स हैं, लेकिन बॉलीवुड क्या कर रहा है, बॉलीवुड खुद को चेंज नहीं कर रहा है। बॉलीवुड केवल उन्हीं घिसी पिटी चीजों पर लगा हुआ है, उसका जो टारगेट है बॉलीवुड का वो नॉर्थ इंडिया पे ही है, साउथ में भी इतना ज्यादा बॉलीवुड नहीं जा रहा होता, वो नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करके जैसे उनकी मेंटेलिटी है केवल उस तरह की चीजें परोसे जा रहा है, परोसे जा रहा है, परोसे जा रहा है। मैं मानता हूं कि हाँ बॉलीवुड ने समय के साथ इवॉल्व किया है, नॉर्थ इंडिया में या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंट्रियों में, हमारी आसपास वाली कंट्रियों में लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके बाहर की जो ग्लोबल मार्केट है वहां बॉलीवुड की कोई रीच नहीं है। जबकि आप हॉलीवुड की मूवी देखेंगे तो वो मूवीज पूरे एंटायर ग्लोब के लोग देख रहे होते हैं और उनका कंजप्शन बहुत अच्छा, उन लोगों का जो पैसा वो लोग मूवीज में लगाते हैं, बजट जो होता है उनका वो भी काफी बढ़ जाता है इसी वजह से। और वहां जबकि आप बॉलीवुड का देखेंगे तो बजट लिमिटेड होता है। ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी ग्लोबल मार्केट पे पकड़ नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम इस चीज को समझते हैं, वजह तो बता दे। इसके ऊपर आप लोग केएफसी का एग्जांपल ले लें, चाइना के अंदर एक अलग ही पॉलिसी यूज करता है केएफसी, वहां पे उसकी ग्लोबल पॉलिसी बिल्कुल अलग है, चाइनीज टेस्ट अलग है तो चाइनीज के लोगों के लिए बिल्कुल अलग है, इंडिया के अंदर कुछ कुछ चीजें वो लोग अलग कर देते हैं। तो उसके साथ साथ वो अलग तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अमेरिकन टेस्ट को भी वहां पे रखता है, मतलब वो बेच रहा है चीजों को, कुछ अपना कुछ वहां के लोगों का, और मर्ज किया और कुछ अलग सा परोस दिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वेज आलू टिक्की बर्गर, अगर आप मैकडी इंडिया में यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप बाहर कहीं चले जाते हैं यूरोप वगैरह में आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। वो चीज कैसे आ गई भाई, क्योंकि इंडिया के अंदर आके इनोवेशन करना जरूरी था। ऐसे ही बॉलीवुड के लिए भी है कि बॉलीवुड वालों भाई कुछ ऐसा सोचो जो बाहर की ऑडियंस भी देखे, ना केवल आपकी फिल्मों से आपकी फिल्म्स का प्रमोशन होता है, इवन एक देश का भी प्रमोशन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एडवर्टाइजिंग मीडिया, यहां पर क्या हो रहा है, काफी सारे हमारे सेलिब्रिटीज का बहुत बड़ा आता है इस चीज में कि ये लोग ब्रांडिंग नहीं बनवा रहे। हाँ आप लोग कहेंगे भैया सेलिब्रिटीज तो पैसा ले रहे हैं और उसके बाद वो ब्रांड तो बनवाते ही है, सब कुछ है, ये कैसा इशू है, लेकिन सही में एक इशू हमारे यहाँ के ब्रांड्स जो हैं वो फेस करते हैं। क्या होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज कहते हैं कि हाँ हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई यहाँ 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 शूट होगा, हम लोग आएंगे, लेकिन ये सब चीजों में लैक होता है और एक ब्रांड जो एक सेलिब्रिटी के फेस से चल सकता है वो नहीं चल रहा होता है। इंडिया के अंदर वो लोग उस ब्रांडिंग को दे रहे होते हैं, लेकिन वही ब्रांडिंग बाहर के लिए जाए तो इतनी अच्छी तरीके से डिलीवरी नहीं होती, कोई अपने ऊपर खुद पे काम करने को इतना कोई खास राजी होता ही नहीं है, जबकि होना चाहिए। आप कुछ बाहर की ब्रांड्स को जान सकते हैं जो वहां के वेल नोन सेलिब्रिटीज जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी ब्रांडिंग की वजह से भी, इसकी रोनाल्डो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई केवल उनके देश के ही नहीं वो चीज बाहर के लोग भी लेंगे और ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। अगर वो किसी चीज का ब्रांड फेस बनते हैं तो चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए कमियां तो मैंने बहुत सारी गिना दी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चीजें दिक्कत खराब नहीं है। ये कुछ 5-6 चीजें मेरे को निकल के आ रही थी जो मैंने आपको मोटी मोटे तौर पर बताई। अगर हमारा देश इन चीजों पर काम करता है तो शायद चीजें अच्छी हो सकती हैं, बाकी खड़े रह के
बता देना और चीजों पे काम करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसे पॉइंट जो मेरे से छूट गए हो, जो आपको लगता है कि आपको ये चीजें भी अगर हमारे देश में सुधरें तो चीजें सुधर सकती हैं और एक बंदा इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम कर सकता है जिससे हमारी ग्लोबल मार्केट में रीच अच्छी हो, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके साथ साथ अगर आप थोड़े सा हॉरर चीजों के बारे में जानना पसंद करते हैं, हॉन्टेड चीजों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करें और देख सकते हैं। और अगर आप लोग एलियंस के बारे में जानना पसंद करते हैं तो ये वाली वीडियो मैंने एलियंस के ऊपर बनाई है, उनके बारे में डिटेल से बताया है क्या एलियंस होते हैं क्या कुछ है, तो इस वीडियो पे जरूर देखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, शफ़ा।